पूर्व मंत्री बीजेपी विधायक गणेश नाइक क्या 15 सितंबर से जनता दरबार लगाएंगे? क्या सत्तारूढ़ सरकार के रवैये और प्रशासनिक मनमानी के खिलाफ भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे? यह सवाल आजकल नवीन बैकरों के जहन में बार बार उठ रहे हैं, क्योंकि अधिकांश नवीन बैकर और उनके समर्थक यही चाहते हैं कि गणेश नाइक फिर जनता दरबार लगाएं ताकि पीड़ित जनों को न्याय और समाधान मिल सके। हालांकि खुद लोक नेता गणेश नाइक अभी इसके लिए तैयार नहीं दिखते। कुछ एक्सपर्ट भी मानते हैं कि यह समय कोरोना संक्रमण और राजनीतिक टकराव से बचने का है। गणेश नाइक का निर्णय भी इसी का संकेत देता है। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जिम्मेदारी औरों पे ढकेलना बहुत इजी है, शो ऑफ करना बहुत इजी है, लेकिन मन से काम करना एक बहुत आनंद देने वाली बात है। अभी आप मैं कभी थाना में मैं जो आप पे आता हूँ चार चार पांच पांच घंटा, मुझे मैं क्या लोगों पे मेहरबान नहीं करता, मेरा एक पैशन बना है, तो ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती है, फर्ज भी है, और वो फर्ज मैं बहुत मन से निभाने का प्रयत्न कर रहा हूं। लोक नेता गणेश नाइक के समर्थक उन्हें नवीनबई का शिल्पकार और राजा मानते हैं। वे मराठी में अक्सर नारा देते हैं, राजा का राजपन, आजपन, उदयापन, यानी गणेश नाइक सत्ता में रहें न रहें, लेकिन वे नवीनबई के राजा हैं और राजा रहेंगे। 7 साल पहले तक चला उनका जनता दरबार इसका प्रतीक रहा है। मनपा आयुक्त से पिछली मुलाकात में भी उन्होंने साफ कहा था कि एनएमएमसी सत्तारूढ़ सरकार और पालक मंत्री के इशारे पर चल रही है। अधिकारी मनमानी करते हैं, जनता की सुनवाई नहीं होती, इसलिए वे अपने जन्मदिन पर यानी 15 सितंबर से भूख हड़ताल पर बैठेंगे, वहीं पर जनता दरबार लगाकर फरियाद सुनेंगे। लेकिन उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। जनता अभी भी उम्मीद में है कि शायद उनके जन्मदिन पर जनता दरबार लगे। खैर, उससे पहले उनका पिछला ऐलान भी सुन लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक दिन के उपोषण के लिए नहीं, बहुत सारे लोग बोलते दादा आप हमें मिलते नहीं। अभी हालांकि ये कोरोना की स्थिति में मैं परमिशन मांगने वाला हूँ पुलिस स्टेशन से कि भाई शिवाजी चौक में मैं लोगों को मिलने के लिए 9 से 5 बजे तक बैठने वाला हूँ, और जिस एक एक मतलब लॉट दिया जाएगा, 9 बजे फलाने फलाने वार्ड के लोग आएंगे, 9:30 बजे, 10 बजे, ऐसे 111 वार्ड को बिखरा जाएगा। और उस दिन जो जो तुम लोगों की यहाँ पे अन्याय की वो बोर्ड लेके आओ, निवेदन भी लेके आओ, और जो इसलिए मैं पहले मुझे अभी करीबन 19 दिन बाकी है, मुझे पत्र लिखो, मैं पत्र उनको डिपार्टमेंट को भेजूँगा, वो सिडको के होंगे, MIDC के होंगे, महापालिका के होंगे, MSEB के होंगे, PWD के होंगे, MSRDC के होंगे, उनको लिखूंगा। उसके बाद में उन्होंने नहीं किया तो बोर्ड लेके आएंगे। अभी सब मैं उधर उपोषण को बैठने वाला, उपोषण मीन्स गणेश नाइक का जन्मदिन, ये अन्याय विरुद्ध लड़ने का दिन, इस ढंग से उस पर उजागर किया जाएगा। मेरे साथी लोगों से बात करूंगा, सब प्रशासनिक यंत्रणा से भी बात करूंगा, आप लोगों से बात करूंगा। सुन लिया आपने, उन्होंने ऐलान किया था कि जरूरत पड़ी तो मनमानी को रोकने में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हालांकि उनके जनता दरबार और भूख हड़ताल में कई बाधाएं हैं। एक तरफ उनकी ही पार्टी की विधायक की खिलाफत है, तो दूसरी तरफ सत्तारूढ़ सरकार का पुलिस के जरिए परमिशन पर पाबंदी। अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि ऐसे कई और भी कारण हैं जो उनकी राह में रोड़ा हैं। ऐसे में बीजेपी विधायक गणेश नाइक कोरोना संक्रमण और राजनीतिक टकराव को देखते हुए उन्होंने खुद ही अपने कार्यक्रमों को रद्द करने का फैसला लिया। तो सवाल यह है कि क्या लोक नेता गणेश नाइक सरकार से डरते हैं? क्या वे बीजेपी के अंदरूनी टकराव से बचना चाहते हैं? क्या गणेश नाइक का तेवर पहले से नरम पड़ गया है? क्या गणेश नाइक किसी विवाद के बिना ही जनता की फरियाद सुनने और उनको समाधान देना चाहते हैं? वैसे अधिकांश नवीनबईकर तो यही चाहते हैं कि गणेश नाइक जनता दरबार लगाएं ताकि निरंकुश मनपा प्रशासन पर अंकुश लगे और आम जनों की सुनवाई हो। एक्सपर्ट भी इसे
अच्छी पहल मानते हैं। आज जो परिस्थिति है नवी मुंबई महानगर पालिका की, उसमें ऐसा है कि प्रशासक जो है वो पिछले 1.5 साल से प्रशासक यहाँ पर नियुक्त है। मतलब जनप्रतिनिधियों का जो एक भागीदारी रहता था सत्ता में, शासन में, वो नहीं है नवी मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत। वैसी स्थिति में क्या हो रहा है कि एक प्रशासक के रूप में जो पालिका आयुक्त है उनके हाथ में पूरी ताकत चली गई है और उनका ही डिसीजन अब फाइनल डिसीजन हो रहा है। ऐसे में यह जरूरी है कि कम से कम पालिका आयुक्त द्वारा लिए गए डिसीजन पर नज़र रखने के लिए, अभी चूंकि वहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, कोई नगर सेवक नहीं है, कोई महासभा काम नहीं कर रही है, तो वैसी स्थिति में जो स्थानीय विधायक हैं उनका यह दायित्व बनता है कि वो पालिका पर नज़र रखें। और पिछले कुछ महीनों में ऐसा देखा गया है कि जिस प्रकार से शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, जो कि जिनका गढ़ आप कह सकते हैं कि थाने हैं, और उनके द्वारा जिस तरीके से नवी मुंबई के सारी विकास कार्यों पर जिस तरीके से उनकी नज़र है और जिस तरीके से वो उनके कहने पर एक तरह से सारे विकास कार्यों को मंजूरी दी जा रही है, वैसी स्थिति में यह जरूरी हो जाता है कि गणेश नायक या मंदाताई महात्रे जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, एक एरोली से हैं, एक बेलापुर से हैं, तो इन लोगों को की एक पकड़ कम से कम आयुक्त पर होनी चाहिए या आयुक्त के द्वारा जितने भी कामकाज स्वीकृत किए जा रहे हैं उस पर उनकी निगाह होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर उसमें उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आयुक्त जो है महासभा के न होने का या पालिका में जनप्रतिनिधियों के भागीदारी न होने का वह नाजायज फायदा ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ऐसे आयुक्त पर दबाव बनाने के लिए अगर गणेश नायक जनता दरबार या फिर भूख हड़ताल या फिर पालिका के सामने प्रदर्शन करने का निर्णय लेते हैं, तो मेरी नज़र में यह लोकतांत्रिक पद्धति से न्यायोचित है। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी सत्ता को निरंकुश नहीं होना चाहिए और विरोधियों को विशेषकर सत्ता पर निगाह रखना जरूरी होता है। और विरोधी जितना ज़्यादा सतर्कता से सत्ता पर निगाह रखेंगे उतने ही अच्छे तरीके से जो है वो जन भागीदारी के साथ विकास कार्यों को अंजाम दिया जा सके। कहना गलत नहीं होगा कि विधायक गणेश नाइक ने जब जब जनता दरबार लगाया वहां गरीबों को इलाज और बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी, अधिकारियों की मनमानी और संपत्तियों के विवाद भी सुलझाए, लेकिन तब गणेश नाइक सत्ता में थे, आज वे सत्ता से बाहर हैं। ऐसे में उनके लिए जनता को न्याय दिला पाना कितना संभव होगा यह तो वक्त ही बताएगा। लोक नेता और बीजेपी विधायक गणेश नाइक 7 साल बाद फिर से जनता दरबार लगाने की तैयारी में हैं। वासी के इसी छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर उन्होंने भूख हड़ताल करने की भी घोषणा की है। हालांकि उनके इस आंदोलन को लेकर अभी भी असमंजस है, लेकिन अधिकांश नवम्बईकर और बीजेपी समर्थक यही चाहते हैं कि विधायक गणेश नाइक यहाँ भूख हड़ताल पर बैठें और जनता दरबार लगाकर उनकी फरियाद सुने ताकि पीड़ित जनों को न्याय, समाधान और राहत मिल सके। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।